गेस करिए कौन सी जगह है, पहचान रहे हैं इसको? अगर हाँ तो कमेंट ज़रूर करिएगा। और स्वागत है आपका मेरे चैनल पे। चलिए एक नया व्लॉग, डेली व्लॉग लेकर के आई हूँ, आपको स्वागत है। एवरीवन वेलकम बैक टू माय चैनल डॉक्टर प्रियंका शुक्ला ऑफिशियल। मैं आपकी डॉक्टर प्रियंका। ये देखो दोनों फिर मोबाइल में बिजी हैं। आप लोग बोलेंगे जब देखो तब दोनों मोबाइल में लगी रहती हैं। क्यों लगी मोबाइल में? गंदी बच्ची मम्मा भी मोबाइल में लगी हुई है। पापा बस नहीं लगे, आज पापा गुड बॉय बन गए हैं क्योंकि वो ड्राइव कर रहे हैं। तो आज हम लोग जा रहे हैं 3.5 महीने बाद प्रयागराज आने के बाद कहीं बाहर। प्रयागराज से कहाँ जा रहे हैं ये तो आपको तभी पता चलेगा जब आप मेरा व्लॉग देखेंगे। जहाँ भी जा रहे हैं बहुत अच्छी जगह है, बहुत प्यारी जगह है, हम सबकी फेवरेट जगह। इतने सारे हिंट दे दिए, व्लॉग देखिएगा तब पता चलेगा। चलिए व्लॉग शुरू करते हैं। चैनल पे नए सब्सक्राइब करते हुए जाइएगा और फेसबुक पे देख रहे हैं तो फॉलो करते हुए जाइएगा। तो चलिए मैं आपको कहीं लेके चलती हूँ। लगी भूख लगी जोरों की भूख लगी, भूख लगी, भूख लगी, भूख लगी, भूख लगी, भूख लगी पापा, भूख लगी। कुछ खा के नहीं निकले ना, अचानक से प्लान बना हमारा। सो के उठे हैं क्योंकि छुट्टी है ना हमारी, नर्सों स्कूल खुल रहा है, फ्राइडे स्कूल खुल रहा है। अचानक से प्लान बना निकल दिए, बहुत भूख लग रही है। बेटा अभी तो 6 बजे पहुंचेंगे हम लोग। आप लोग गेस करिए कहाँ पहुंचेंगे 6 बजे? 12 बजे निकले, 6 बजे पहुंचेंगे। रोड पे चल रहे हैं जीटी रोड। तो गेस करिए आप लोग, अगर इस सेकंड पे वीडियो के इस सेकंड पे आपने गेस कर लिया तो मान लेंगे, लास्ट तक तो आप लोग देख करके बता ही देंगे। गेस ये देखो खाना खाने आ गए। आशी का मन नहीं था फिर भी हम लेके आए। तो राजपूत ढाबा में आए हैं भैया, चाय बात देखेंगे पहले खाना। वही रेस्टोरेंट आए कि यहाँ चाय पिया की जान बचेंगे। थाली आ गई है, अभी परोसा आ गया है, उनकी भी थाली आ गई है। रोज शुरू खाते हैं। हम लोग आ चुके हैं, कोई पहचान हो कहाँ आए हम लोग। सुबह से रात हो गई, मतलब दोपहर 12 बजे निकले थे और 7 बजने जा रहे हैं, तो 7 घंटे लगे हमें, इंक्लूडिंग लंच टी ब्रेक। तो आ चुके हैं हम लोग, अभी बस दिखाते हैं कहाँ। मेरा वाला वो देखो कहाँ आए हैं, ट्रेन यहाँ आए हैं, यहाँ आए हैं। वेदाशी कहाँ आई हो? ये देखो इनका शुरू बॉडी दिखाना, अभी दिखाते हैं। चाय बन रही, देखो आ गए हम हुकुम चलाने चाय बनवाने। मसाज चल रहा है, देखो ये होता है फिटनेस ट्रेनर भाई का। हाँ रोज तो उसमें थाली में इनका दूध रोटी रहेगा, इनका दूध रोटी वहां के साथ ले रहे हैं। क्या फूल सूजन देख रहे हो क्या? बैठ के आया ना कार में तो हो सकता है आ गई हो। नहीं सूजन नहीं होती मेरे। क्या कर रहे हो बेटा, हिम्मत करो। और कैसा लग रहा है मॉम मेरे आने पे? बहुत अच्छा लग रहा है। नाचो नाचो। हमने साउंड रखा है। मॉर्निंग देखा आप लोग ने, मैं आई हूँ गोरखपुर। तो हम लोग का अचानक प्लान बन गया, मम्मी मेरी निकलने वाली हैं पुणे वापस, तो मिलने का मन था, फिर पता नहीं कब मिल पाऊंगी। 3.5-4 महीने हो गए थे मिले हुए, तो सोचा चलो 2 दिन छुट्टियां बची हैं तो हम लोग घूमाते हैं। तो बस एक दिन के लिए आज के लिए आए हैं हम लोग, फिर कल निकल जाएंगे वापस। और
ज़्यादा कुछ शूट नहीं किया, आपको पता ही मैं बहुत ज़्यादा पर्सनल व्लॉगिंग नहीं करती हूँ, खुद को दिखाती हूँ। तो बहुत अच्छे से खाया पिया हम लोगों ने, छोले पूड़ी चावल और मिठाइयाँ, मतलब बहुत बहुत मज़ा आया। खा पी के सो गए, उस सुबह उठे, चाय वाय पिए, सब अपना अपना काम कर रहे हैं। गौरव नहा धो के पूजा पाठ करके जिम गया, निहार का अपने सबको चाय वाय दे करके अपना काम कर रही है, मम्मी पूजा कर रही हैं, पापा नहा रहे हैं और हम लोग यहाँ बैठे गप्पे कर रहे हैं। और बस फिर से हम लोग को 20 दिन बाद आना है, मतलब ससुराल जाना है, वहाँ पर शादी पड़ी हुई है, तो तब यहाँ पे नहीं मिल पाएंगे पापा मम्मी से, इसलिए हम लोग इस बार मिलने आए थे। तो सर आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ ब्लॉग को, और भी शेयर करूँगी जो भी आज एक्टिविटी होगी, थोड़ा बहुत जो घूमूंगी टहलूँगी वो शेयर करूँगी आप सभी के साथ। जो लोग मेरे चैनल पर नए हैं उनको बता दूँ, मैं हूँ बेसिकली गोरखपुर से, मेरा मायका यहाँ पे ही है, और इस समय हम लोग प्रयागराज में हैं क्योंकि हस्बैंड की जॉब वहाँ पे है। हम लोग घूमते रहते हैं, हर 5 साल में ट्रांसफरेबल जॉब है, तो मैं अपने मायके आई हुई हूँ, ससुराल मेरा है महाराजगंज, तो एक दिन के लिए आई हुई हूँ, इसलिए महाराजगंज जाने का चांस नहीं है इस बार। बस यहाँ से हम लोग लौट जाएंगे वापस, महाराजगंज जाएंगे 6 तारीख को, मतलब 6 नवंबर को हमें फिर आना है, तब वहाँ पर 4-5 दिन के लिए आना है, शादी है। वहाँ की ब्लॉगिंग ज़्यादा तो नहीं करूँगी, पर्सनल ब्लॉगिंग हाँ मिलवाऊँगी ज़रूर, दिखाऊँगी ज़रूर, मतलब खुद से मिलवाऊँगी। और वहाँ पे मिलेंगे तो ये देखिए रोज़ सो रही हैं अभी, आशी मोबाइल में लगी हुई हैं। और सोचे इस ब्लॉग को यहीं एंड करेंगे, फिर जो भी ब्लॉग हो नया ब्लॉग लेकर के आएंगे। गले की एज यूजुअल बैंड बजी हुई है, मन अपना वो गले को भी दिखा रहे क्या डॉक्टर आरएम सिंह को, हैं कितने तक बैठते हैं आशी, चलो डॉक्टर को दिखा लेते हैं हम लोग, तुम्हारा नाक और मेरा गला, होम्योपैथी डॉक्टर मीठी मीठी दवा देंगे, अच्छे होते हैं बेटा। आजकल के बच्चों का ये तरीका है चिल्ला के अपनी बात मनवाना, तो सोच रही हूँ कि होम्योपैथी ट्रीटमेंट, क्योंकि अभी नई जगह पे अच्छे डॉक्टर पता नहीं चल रहे हैं, यहाँ पे हमारे फेमस डॉक्टर आरएम सिंह यहीं पास में ही रहते हैं, हम लोग एकदम बगल में ही हैं, तो आप लोगों को पता होगा डॉक्टर आरएम सिंह जगदम्बा गली, वही मेरा मायका है। तो सोच रही हूँ दिखा लेती हूँ, शायद कुछ फायदा हो जाए। तो इस ब्लॉग को यहीं ख़त्म करूँगी, फिर नया ब्लॉग लेकर के आऊँगी, ताकि उसमें अगर बन पाया तो, क्योंकि जब से मैं आई हूँ फ़ोन पर्स में, और ये लगता है एक दिन के लिए आई हूँ, फ़ोन तो फिर साथ में ही रहेगा, काम तो चलता रहेगा, तो एक दिन की छुट्टी, मम्मी पापा भाई बाबा के साथ समय बिताने, फिर मम्मी चली जाएंगी, फिर उनसे मुलाकात मेरी पुणे में होगी, तो क्योंकि पुणे जाती हूँ हर साल, आप लोगों को पता ही है नए साल पे। तो इस व्लॉग को करती हूँ यहीं पे एंड, मिलती हूँ नेक्स्ट व्लॉग में अगर बन पाया तो। मम्मी पूजा कर रही हैं, और अपना ख्याल रखिएगा, अपना खूब सारा प्यार दीजिएगा, बाय बाय, टेक केयर।